हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे SA 500। SA 500 ऑडिट एविडेंसेस के बारे में है। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड दिस चार्ट फ्रॉम द लिंक गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑडिट एविडेंसेस होते क्या हैं? ऑडिट एविडेंसेस में पहली चीज़ आई मीनिंग। किसे कहते हैं ऑडिट एविडेंसेस? ऑडिट एविडेंसेस आप कहीं पे भी ऑडिट करने गए, वहाँ पे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिले जिसे आप ऐसा ऑडिट एविडेंसेस अपने ओपिनियन फॉर्म करने में यूज़ करना चाहते हैं, वो होगा ऑडिट एविडेंसेस। फॉर एग्जांपल, किन चीज़ों के बारे में आप ऑडिट एविडेंसेस लेंगे? आप कंक्लूजन फॉर्म करने से पहले जब ओवरऑल चेकिंग करते हैं, हर चीज़ का ऑडिट एविडेंसेस लेना होता है। डेटर्स बैलेंस का ऑडिट एविडेंसेस लेंगे आप, क्रेडिटर्स बैलेंस का ऑडिट एविडेंसेस लेंगे। डेटर्स बैलेंस का ऑडिट एविडेंसेस लेने के लिए आप परचेज इनवॉइस चेक, आप सेल्स इनवॉइस चेक करेंगे। क्रेडिटर्स बैलेंस का लेने के लिए आप परचेज इनवॉइस चेक करेंगे और आपको इन्वेंट्री चेक करने के लिए ऑडिट एविडेंसेस लेना होगा। गार्ड से पूछेंगे गोडाउन लॉक्ड है या नहीं, उसका ऑडिट एविडेंसेस लिया। तो आपको इन शॉर्ट हर चीज़ का ऑडिट एविडेंसेस लेने होते हैं। तो SA 500 ऑडिट एविडेंसेस की ही बात करता है। ऑडिट एविडेंसेस के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं? टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंसेस तीन तरह के हो सकते हैं। नेचर पे डिपेंड कर सकता है, विजुअल है ऑडिट एविडेंसेस, ओरल है और डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है। विजुअल का मतलब आपने कोई चीज़ खुद देखी, वो आपको ऑडिट एविडेंसेस हो सकता है। कोई आपने मैनेजमेंट से कोई चीज़ इंक्वायरी करी और उन्होंने जो रिस्पॉन्स दिया, ओरली आप उसको ऑडिट एविडेंसेस मान सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री हो सकता है, मतलब रिटर्न फॉर्म में हो सकता है। जैसे आपने डेटर्स की कंफर्मेशन मांगी और आपको रिटर्न में पता चला कि कितना बैलेंस है। एक हो सकता है ऑडिट एविडेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ इम्पैक्ट, और थर्ड होता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। इम्पैक्ट में कोई एविडेंसेस कंक्लूसिव हो सकते हैं जो आपको पक्का पक्का सबूत दें, कुछ इनकंक्लूसिव और परसुएसिव हो सकते हैं। ये आपको पक्के सबूत नहीं देते। फॉर एग्जांपल, आपने सेल्स इनवॉइस से सेल्स को वेरीफाई करा, वो आपको ये तो सबूत दे रहा है कि सेल्स इनवॉइस है ऑर्गेनाइजेशन के पास, बट आपने आते हुए देखा है मटेरियल या जाते हुए सेल चेक करी है, परचेज इनवॉइस से परचेजेस का टोटल पता चल जाएगा, सेल्स इनवॉइस से सेल्स का, बट ये नहीं पता चलेगा कि सेल्स सच्ची में हुई थी, सच्ची में किसी ने लिया है, परचेज हुई तो सही में इन्वेंट्री आई है। तो ये इनकंक्लूसिव एविडेंस हुआ। ऑडिट में सारे एविडेंसेस इनकंक्लूसिव और परसुएसिव होते हैं। कंक्लूसिव एविडेंसेस कोर्ट ऑफ लॉ के सामने प्रेजेंट किए जाते हैं। लास्ट है सोर्स के बेसिस पे, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल एविडेंसेस ज़्यादा रिलायबल होंगे, जो आपने डेटर से लिया, क्रेडिटर से लिया या किसी भी थर्ड पार्टी से लिया। इंटरनल एविडेंसेस हुए जो मैनेजमेंट से लिए। तो अभी तक हमने पढ़ा ऑडिट एविडेंसेस होता क्या है। मीनिंग ऑफ ऑडिट एविडेंसेस होता है कोई भी इंफॉर्मेशन जिसे आप एज अ ऑडिट एविडेंसेस यूज कर रहे हैं, वो ऑडिट एविडेंसेस मानी जाएगी। इनफॉर्मिंग कंक्लूजन, जो भी इंफॉर्मेशन आप यूज कर रहे हैं वो ऑडिट एविडेंसेस होती हैं। इसके बाद हम जाएंगे ऑडिट एविडेंसेस, हर चीज का लेना होता है। ऑडिट एविडेंसेस होने कैसे चाहिए, नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंसेस क्या होना चाहिए। नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंसेस होगा सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट होने चाहिए। सफिशिएंसी से मतलब होता है रेफर्स टू क्वांटिटी, कि ऑडिट एविडेंसेस क्वांटिटी सही लें। जैसे 1000 डेटर का आप ऑडिट कर रहे हैं और आपने 5 डेटर का एविडेंसेस लिए, तो वो सफिशिएंट नहीं है। उसके बेसिस पे आप कंक्लूजन फॉर्म करेंगे तो वो सही नहीं होगा। अप्रोप्रिएटनेस का मतलब होता है क्वालिटी से, कि क्वालिटी भी ऑडिट एविडेंसेस की अच्छी हो। क्वालिटी पता चलेगी रेलिवेंस और रिलायबिलिटी से। कोई ऑडिट एविडेंस तब क्वालिटी वाला होगा जब वो मोर रिलायबल हो वर्सेस लेस रिलायबल। कोई एविडेंसेस मोर रिलायबल कब होंगे, जब वो रिटर्न फॉर्म में हो, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में। ओरल होगा तो लेस रिलायबल होंगे, मोर रिलायबल होंगे जब वो एक्सटर्नल हो,
बाहर से लिए हों, इंटरनल मैनेजमेंट से लिए होंगे तो लेस रिलायबल होंगे, मोर रिलायबल होंगे जब वो ओरिजिनल हों, लेस रिलायबल होंगे जब वो फोटोकॉपीज में होंगे, मोर रिलायबल होंगे जब डायरेक्टली ऑब्टेंड हों, लेस रिलायबल होंगे जब आपने क्लाइंट के थ्रू मंगाए, मोर रिलायबल होंगे जब इंडिपेंडेंट सोर्सेज से हों, लेस रिलायबल होंगे अगर रिलेटेड पार्टी वगैरह से लिए, और मोर रिलायबल कब होंगे जब इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे होंगे तो एविडेंसेस भी अच्छे होंगे, एल्स देन इंटरनल कंट्रोल वीक हैं। अभी तक हमने पढ़ा ऑडिट एविडेंसेस का मीनिंग होता है कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपने यूज करी इन फॉर्मिंग कंक्लूजन, वो इंफॉर्मेशन ऑडिट एविडेंसेस मानी जाती हैं। नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस, ऑडिट एविडेंसेस कैसे लेने होते हैं? सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट। सफिशियंट से मतलब होता है क्वांटिटी, अप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्वालिटी। क्वालिटी रेलिवेंट होने चाहिए एविडेंसेस और रिलायबल होने चाहिए। रिलायबल जब होंगे जब रिटर्न होंगे, एक्सटर्नल होंगे, ओरिजिनल होंगे, डायरेक्टली ऑब्टेंड होंगे, इंडिपेंडेंट सोर्सेज से मिले होंगे और इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव होंगे। इन सारे केसेस में मोर रिलायबल एविडेंसेस होंगे। रेलिवेंस से मतलब होता है कि हर चीज के एविडेंसेस लिए, ऑल थिंग्स के एविडेंसेस आपने लिए। इसके बाद हम जाते हैं ऑडिट एविडेंसेस। अभी तक हमने मीनिंग पढ़ा नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंसेस, सफिशियंट अप्रोप्रिएट, सफिशियंट क्वांटिटी से होते हैं, अप्रोप्रिएट क्वालिटी से। इसके बाद जाते हैं हम ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन कैसे करे जाते हैं, मेथड क्या होते हैं ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने के। मेमोरी टेक्निक है ICI, ऑब्जर्वेशन एंड रीपरफॉर्मेंस। I फॉर इंस्पेक्शन, C फॉर कैलकुलेशन और रीकैलकुलेशन, A फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर, I फॉर इंक्वायरी एंड कंफर्मेशन, O फॉर ऑब्जर्वेशन एंड रीपरफॉर्मेंस। इसका PM में एक क्वेश्चन है, ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंसेस परफॉर्मिंग कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। पहला मेथड है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में आप किसी फैक्ट्री का जब आप ऑडिट करने जाते हैं तो आप उसके सारे रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे, चाहे वो रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट इंटरनल हों, चाहे एक्सटर्नल हों, चाहे पेपर फॉर्म में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, हर रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे। क्या इंस्पेक्शन में आप किसी चीज़ को देख सकते हैं वो प्रेजेंट है या नहीं, जैसे फिक्स्ड एसेट एग्जिस्ट करती है या नहीं। बट आपको वो फिक्स्ड एसेट की एग्जिस्टेंस तो बता देंगे पर उनकी ओनरशिप और वैल्यूएशन नहीं बताएंगे कि एंटिटी की ओनरशिप है उस पर या नहीं। सी फॉर कैलकुलेशन और रीकैलकुलेशन। आपने लेट से कमीशन दिख रही है बैलेंस शीट में 5,000 की, तो 10% कमीशन ऑर्गेनाइजेशन देती है, तो 50,000 का 10% 5,000 क्या वो एक्यूरेट है? वो आप खुद से कैलकुलेटर पे चेक करेंगे और एक्सेल पे चेक करेंगे। तो चेकिंग मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स। ए फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर। आप दो बैलेंस शीट को पिछले साल की और इस साल की रखेंगे, उसमें पिछले साल सैलरी 50,000 आ रही है, इस साल सैलरी 1,00,000 दिख रही है, तो दोनों की रेशियोज और ट्रेंड्स को चेक करके आप अनयूजुअल फ्लक्चुएशंस को स्टडी कर सकते हैं। अगर जैसे 50,000 से सीधा 1,00,000 हुई तो उससे आपको पता चल जाएगा या तो कुछ गलत है या इस बार एम्प्लॉयज बढ़े हैं, तो आप उसके बारे में इंक्वायर करके उसके भी ऑडिट एविडेंसेस ले सकते हैं। ICA, आई से इंक्वायरी एंड कन्फर्मेशन। इंक्वायरी मतलब होता है जैसे आपने मैनेजमेंट को इंक्वायर करा, तो मैनेजमेंट को अप्रोप्रिएट इन्फो सीक करने को कहते हैं इंक्वायरी। उसका रिस्पॉन्स जो मैनेजमेंट ने दिया, आपने पूछा डेटर्स कितने हैं, वो तो थी इंक्वायरी, उन्होंने रिस्पॉन्स दिया कि हमारे यहाँ 400 डेटर हैं, तो वो हुई रिस्पॉन्स टू एन इंक्वायरीज एंड कन्फर्मेशन। ICAI ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन होता है इन्वेंट्री काउंट, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनके यहाँ कितनी इन्वेंट्री है और किस वैल्यू की है। ऑडिटर को उसे सिर्फ वेरीफाई करना होता है, ऑडिटर हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ वेरीफिकेशन करता है। तो ऑब्जर्वेशन होती है जैसे इन्वेंट्री काउंट चल रहा है उसको विटनेस अ प्रोसेस करना इज एन ऑब्जर्वेशन। जैसे ऑडिटर ऑब्जर्व काउंटिंग ऑफ इन्वेंट्री बाय क्लाइंट पर्सोनल, कर तो क्लाइंट के ही एम्प्लॉयज रहे हैं पर उसे देखना और विटनेस करना ऑब्जर्वेशन हुआ। देन लास्ट आया रीपरफॉर्मेंस। रीपरफॉर्मेंस से मतलब होता है ऑडिटर ने खुद तो देख ली, अब थोड़ा बहुत तो खुद चेक करेगा, 100 कंटेनर में से कोई एक खोल के उसमें चेक करना कि सेम इन्वेंट्री है या नहीं है, या
खुद से इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसीजर्स, जो प्रोसेस उन्होंने किया उसका इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन रीपरफॉर्मेंस होती है। तो ये था मेथड्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस, आई फॉर इंस्पेक्शन, सी फॉर रीकैलकुलेशन, ए फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर, आई फॉर इंक्वायरी एंड कंफर्मेशन, ऑब्जर्वेशन एंड रीपरफॉर्मेंस। प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस भी हो सकते हैं, प्रोसीजर्स इतना मेन नहीं है, बट एक रीडिंग ले लें। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, फर्दर असेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर में दो चीज़ें आएंगी अंदर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव मतलब टेस्ट ऑफ डिटेल। अब सब्सटेंटिव में भी दो चीज़ें आएंगी अंदर, टेस्ट ऑफ डिटेल और सैप, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, मीन्स पहला आरएपी, दूसरा एफएपी, एफएपी में दो चीज़ें आई टीओसी और सब्सटेंटिव, सब्सटेंटिव में भी दो चीज़ें आई टीओडी और सैप, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। इनके बाद एसए 500 दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक पार्ट होता है जनरल जो अभी तक हमने पढ़ा, सेकंड पार्ट है मैनेजमेंट एक्सपर्ट का जिसपे केस स्टडीज बन के आ सकती हैं। मैनेजमेंट एक्सपर्ट क्या होगा, एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, ये डेफिनेशन है, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है मैनेजमेंट एक्सपर्ट, या किसी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट ने यूज़ किया तो वो भी मैनेजमेंट एक्सपर्ट हो सकती है। पोजेसिंग एक्सपर्टीज इन द फील्ड अदर देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग से हटकर कोई भी काम अगर मैनेजमेंट यूज़ करती है इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए, तो वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट होता है। अब मैनेजमेंट एक्सपर्ट कौन कौन हो सकते हैं, एग्जाम्पल जैसे एंटिटी को वैल्यू निकलवानी है मशीन की तो वो मैकेनिकल इंजीनियर को अपॉइंट करेगी, एक्चुरियल वैल्यूएशन कराना है ग्रेचुटी कितनी दें ये सब का वैल्यूएशन कराना है तो एक्चुरी को अपॉइंट करेगी, वैल्यूअर को अपॉइंट कर सकती है ज्वेलरी वगैरह की वैल्यूएशन कराने के लिए। तो बहुत सारे मैनेजमेंट एक्सपर्ट हो सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर, एक्चुरी, वैल्यूअर। अब हमारा केस स्टडी जो बनती हैं वो बनती हैं कि ऑडिटर की ड्यूटीज क्या है, व्हेन इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। अगर मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने कोई काम किया है उसे अगर ऑडिटर एज एन ऑडिट एविडेंस यूज करना चाहता है तो वो आंख बंद करके तो विश्वास नहीं कर लेगा कि उसने सही ही किया होगा, उससे कुछ चीजें चेक करनी पड़ेंगी। तो अगर मैनेजमेंट ने ग्रेचुटी की वैल्यूएशन कराई है तो उसको ऑडिट एविडेंस की तरह लेने से पहले उसको कुछ चीजें चेक करनी होंगी, वो है सी डब्ल्यू एंड ए, जो एक्सपर्ट था क्या वो कॉम्पिटेंट था, इवेल्युएट करेंगे उसकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। कॉम्पिटेंस से मतलब हुआ लेट्स से आपको ग्रेचुटी की वैल्यूएशन करानी है तो उस पर एक्चुरी की डिग्री थी, ऑब्जेक्टिविटी से मतलब हुआ कि वो बायस नहीं था, मैनेजमेंट से किसी भी तरह रिलेटेड नहीं था, वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा था। देन डब्ल्यू से किसी भी चीज़ को ऑडिट एविडेंस से लेने से पहले कॉम्पिटेंस चेक करी, उसके वर्क को अंडरस्टैंड करेंगे, वर्क को अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं कि वो क्या मेथड यूज करता है अपना काम करने के लिए, कैसे स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करता है, उसका एरिया ऑफ स्पेशलिटी क्या है, ये सारी चीज़ों को चेक करेंगे। लास्ट में अप्रोप्रिएटनेस, अब उसने काम करके दे दिया है तो ये देखना कि उसने काम क्या ठीक करा है, हो सकता है वो कॉम्पिटेंट हो बट इतना कैपेबल ना हो, उसको इतना एक्सपीरियंस ना हो तो वो कुछ गलत कर दे। हमने एक्चुरी की वैल्यूएशन कराई, हमारी रिटायरमेंट एज थी 60 इयर्स की कि हम 60 साल के बाद एक्चुरी की हम ग्रेचुटी पे करेंगे, पर एक्चुरी ने उसको 65 इयर्स ले लिया, तो उसने अपना काम तो करके दिया, वो कॉम्पिटेंट भी था, डिग्री भी थी, बट उसने अप्रोप्रिएटली नहीं किया, उसने कोई मेथड, कोई अजम्पशन गलत ले ली, जैसे एक्चुरियल में उसने एज गलत ले ली। तो आपको अप्रोप्रिएटनेस चेक करने के लिए तीन चीज़ें चेक करनी होती हैं, ए एस के आस्क, ए से उसने अजम्पशंस जैसे रिटायरमेंट एज सही लिया है 60 इयर्स ही लिया है, मेथड्स की रेलिवेंस और रीजनेबलनेस चेक करनी है, एस से सोर्स डेटा की रेलिवेंस और रीजनेबलनेस चेक करनी है, और लास्ट के से नॉलेज होती है कि आप फाइंडिंग और कंक्लूजन, जो भी उसने फाइंडिंग दी कि आपकी एक्चुरियल वैल्यूएशन आ रही है लेट से 6 लाख की, तो वो उसका जो फाइंडिंग थी वो रेलिवेंट थी या रीजनेबल थी और कंसिस्टेंट थी विद अदर ऑडिट एविडेंसेस। अब देन उसके बाद हम जाएंगे, इसके बाद हमें कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी को चेक करते समय क्या क्या चीज़ों से हम उसकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी को चेक कर सकते हैं।
सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इवेल्युएशन के लिए क्या होगा कि हम उससे पहले भी काम करा चुके हैं, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके साथ प्रीवियस वर्क का, उससे ही पूछ लो, डिस्कस कर लो, उसके आसपास रहने वाले लोगों से या अदर्स से डिस्कस कर लो, नॉलेज ले लो उसी से, आप कितने क्वालिफाइड हैं या क्या है, किसकी मेंबरशिप होल्ड करते हैं, उसने कोई बुक्स पेपर लिखी हो तो उसके आगे उसने अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस लिखी होंगी, तो इन सारी चीज़ों से आप पता कर सकते हैं वो कॉम्पिटेंट कैपेबल है या नहीं है। देन आपको इसके लिए दो क्वेश्चन पीएम में पूछे गए हैं कि जेड लिमिटेड ने एक एक्सपर्ट को अपॉइंट किया ग्रेचुटी लाइबिलिटी के लिए और उसने रिपोर्ट दी जिसमें 80 लाख की ग्रेचुटी करी। अब अगर ऑडिटर को उसे एज ऑडिट एविडेंस लेना है तो उसे CWA चेक करना है। अगला क्वेश्चन है क्या प्रोसीजर ऑडिटर फॉलो करे, प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड फॉर वेरीफाइंग प्रोविजन फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट्स विच इज बेस्ड ऑन अ सर्टिफिकेट ऑफ रिपोर्टेड एक्चुरी। एक एक्चुरी ने अपने सर्टिफिकेट के थ्रू एक प्रोविजन बनवा दिया, अब ऑडिटर को उसे एज ऑडिट एविडेंस लेना है तो क्या प्रोसीजर फॉलो करे, CWA ही करेगा। नेक्स्ट इस पे दो क्वेश्चन पीएम में और हैं जिसमें आपको पूरा CWA नहीं लिखना है, इसमें आपको सिर्फ अप्रोप्रिएटनेस की बात करनी है दोनों में। वो क्वेश्चन हैं कि अगर स्टैचुटरी ऑडिटर कैसे डील करेगा, LNK ग्रुप ग्रेचुटी स्कीम वैल्यूएशन करी, एक्चुरी से आपको पता चल गया कि ये मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, उसमें वाइड वेरिएशन है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर फिगर, वाइड वेरिएशन है मतलब उसने अपना काम तो किया बट शायद अप्रोप्रिएटली ना किया हो, तो लास्ट वाला फैक्टर अप्रोप्रिएटनेस को चेक करेंगे, पर वाइड वेरिएशन हो सकता है जेन्युइन रीजन से भी हो कि इस बारी एंटिटी ने कोई चेंज किया था उसकी वजह से वेरिएशन आया। पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन पीएम में है जिसमें ऑडिटर ने एक्सेप्ट कर ली है, मान ली उसने ग्रेचुटी लाइबिलिटी सर्टिफिकेट के एक्चुरी के, जिसमें रिटायरमेंट एज 65 ईयर अडॉप्ट करी है एक्चुरी ने अगेंस्ट द 60 ईयर्स, जबकि मैनेजमेंट ने उसे 60 ईयर्स बताई थी, दैट मीन्स उसने गलत अजम्पशन यूज करी है। जब क्वेश्चन खुद बता रहा है कि गलत अजम्पशन है तो भी उसने मतलब काम तो अप्रोप्रिएटली नहीं किया, बट उसमें क्या लिखेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। और जब क्वेश्चन क्लियर नहीं कर रहा गलती है या नहीं, सिर्फ वेरिएशन है जो कि जेन्युइन रीजन से भी हो सकती है, तो क्या लिखेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। पहला क्वेश्चन था वाइड वेरिएशन का, जिसमें मैंने आपको की पॉइंट दिए कि जेन्युइन रीजन से भी हो सकती है, पहले तो सिर्फ यही लिख देंगे अप्रोप्रिएटनेस का पूरा पॉइंट ASK। देन इन द प्रेजेंट केस ये बताएंगे ऑडिटर रीजनेबलनेस को वेरीफाई करेगा, अजम्पशंस की रीजनेबल को वेरीफाई करेगा, मेथड्स अडॉप्टेड बाय एक्चुरी को वेरीफाई करेगा, एंड देन ऑन द रेफरेंस ऑफ फैक्टर्स कि जो उसने रिटायरमेंट एज क्या ली, अगर उसने सारी चीज़ें सही ली हैं तो वो उससे काम को अडॉप्ट कर लेगा। तो बेसिकली जब गलती कंफर्म नहीं थी उसने वेरीफाई करी मेथड्स और अजम्पशंस को कि वो ठीक थे या नहीं थे, पर इस केस में जहाँ पे 65 की जगह 60 साल ले ली या लिखा हुआ है सीरियस रॉन्ग अजम्पशन है, जहाँ गलती कंफर्म्ड है वहाँ पे वो उसे पता है कि अजम्पशन की ना कोई रेलिवेंस है ना कोई रीजनेबलनेस है, मतलब गलत है, तो ऑडिटर ये फैक्ट मैनेजमेंट के सामने लाएगा और अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई करेगा। तो गाइस दोनों क्वेश्चन सेम थे, लिखना अप्रोप्रिएटनेस के बारे में है पहला पैरा, ये कॉमन है दोनों में, जो चीज़ अलग है वो ये जब गलती कन्फर्म्ड है तब आपको लिखना है अजम्पशन की कोई रेलिवेंस नहीं है, ये फैक्ट मैनेजमेंट के सामने लाना है और रिपोर्ट को क्वालिफाई करना है, बट जब आपको पता है कि अजम्पशन सही भी हो सकती है जेन्युइन रीजन की वजह से वाइड वेरिएशन हो सकती है तो आप उसकी रीजनेबलनेस को वेरीफाई करेंगे, मेथड्स को अजम्पशंस को चेक करेंगे, अगर वो ठीक होंगे तो अडॉप्ट करेंगे, तो मे अडॉप्ट इसीलिए लिखा है अगर ठीक होंगे तो अडॉप्ट करेंगे अदरवाइज नहीं करेंगे। तो गाइज एक बार कंपाइल करते हैं हमने आज क्या